हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। आज रात में हम स्टे किए थे देहरादून, सुबह वाले मॉर्निंग को हम निकलने वाले हैं यहाँ से बारकोट, बोले तो देहरादून टू बारकोट का सारा डिटेल्स आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगा। तो जो लोग नया आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को कर दीजिए लाइक, करते हैं आगे। तो अभी सुबह का बज गया है 4:30 और हम यहाँ से निकलने वाले हैं मसूरी बस स्टैंड। तो वहाँ से हमें बारकोट के लिए बस मिलने वाला है। तो बारकोट के लिए जो बस है वो है 5:30 मॉर्निंग को। तो हम पहले फटाफट से यहाँ पे देख सकते हैं बैग वैग पूरा रेडी कर लिए हैं और फ्रेश सुबह सुबह नहा भी लिए हैं, काफ़ी मज़ा आनंद आ रहा है। यहाँ से हम निकलेंगे मानसूरी बस स्टैंड, बस स्टैंड से वहाँ से हमें बारकोट के लिए बस मिल जाएगा। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, आगे मज़ा आने वाला। देहरादून से बारकोट का बस हमें मिल चुका था 5:30 AM वाला और हमें फेयर पड़ा है 305 पर पर्सन। गाइस हालत खराब हो चुका है बस का, यात्रा करते करते पूरा मंग मंग हो रहा है। बस हवा निकल गई। रास्ते पे व्यू काफी बढ़िया बढ़िया आ रहा था बट हम दिखा नहीं पाए, हमें सीट नहीं मिला था। इसलिए हम पहुंच चुके हैं बारकोट। बारकोट से हमारा जो ये टैक्सी है, टैक्सी हमारा खुलने वाला है कुछ ही देर। देहरादून से बारकोट हम 10:30 को पहुंच गए और हमें हरवरी था तो हम आ गए थे टैक्सी स्टैंड। टैक्सी मिलते ही हम फटाफट अपना सामान लोड किए और हम करने लगे इंतज़ार कि टैक्सी कब फुल हो। हमें बारकोट से जानकी चट्टी का जो फेयर पड़ा वो 150 रुपीज़ पर पर्सन का पड़ा और टैक्सी फुल होने का इंतज़ार करते करते हमें मिल गया एक बड़ा सा कुत्ता। और उत्तराखंड का कुत्ता का साइज़ कुछ अलग ही सा बड़ा है, तो हमने दिया इसे बिस्कुट लेके, तो ये अच्छा सा खाया खूब मज़े लेके। महादेव की कृपा हमारे साथ बना हुआ है। टैक्सी 12 बजे तक फुल हो चुका था और 12 बजे से यहाँ से जानकी चट्टी के लिए टैक्सी खुल गया था। 2 बजे तक हम पहुंच चुके थे जानकी चट्टी और जानकी चट्टी पहुंचते ही हमें लगा था भूख, क्योंकि हमने सुबह से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। तो हमने फटाफट से यहाँ ऑर्डर किया और खूब दबा के खा लिया। सो गाइस अभी हम निकल चुके हैं यमुनोत्री की ओर। जानकी चट्टी से हम लोगों ने अभी 3 बज गया है 3 बजे से जानकी चट्टी से हम यमुनोत्री की ओर निकल चुके हैं यात्रा करते हुए। यहाँ से 6 किलोमीटर का हमें पैदल यात्रा करना है और आप लोग बैकग्राउंड में देख सकते हैं कुछ इतना मज़ा नज़ारा है, देख सकते हैं काफ़ी तो सुंदर सुंदर वादियाँ हैं और मेरी सांसें फूलने शुरू हो चुकी है। और कुछ हमारे साथ जाने वाले बंदे ये है बिरमन सर, बिरमन एक बार हाय बोलो। और ये हमारा विष्णु सर, विष्णु एक बार हाय बोलो। तो हम लोग अब यहाँ से निकल गए हैं, देखते हैं यहाँ से 2 आवर्स के अंदर हम ट्रैक करके वहाँ तक पहुँच जाएंगे और आज हमारा कैंप वहीं पे लगेगा। टेंट है हमारे साथ और जो हमारा बड़ा बड़ा जर्नी बैग था वो हमने होटल पे रख दिया है। बस गाइस सांसें फूलती जा रही है, हाँ। और आप लोगों ने घोड़ा देखा है कि नहीं, देख लीजिए बड़े वाली सफेद घोड़े के साथ। थोड़ा ही दूर ऊंचाई पे उठने के बाद हम लोग पूरे तरीके से थक चुके थे और हम लोग यहाँ बैठ के डिसाइड कर रहे थे कि यहाँ से भी 5 किलोमीटर और हमें पैदल मारना है। मन तो नहीं हो रहा था लेकिन हमने हर हर महादेव के नाम लेते हुए हम लोग यहाँ से निकल पड़ते हैं। जानकी चट्टी से यमुनोत्री का जो ट्रैक है वो फुल ट्रैकिंग है। तो आप यहाँ से जाने का 4 तरीका है, एक तो हो गया खुद पैदल करके, दूसरा ये देख सकते हैं आप पालकी में जा सकते हैं, तीसरा आप घोड़े पे जा सकते हैं और एक और है वो जो है सेल्फ कोई अंकल बुक के वहाँ तक पहुँचाएगा। तो हम लोगों ने हार नहीं मानते हुए हम लोगों ने सेल्फ पैदल यात्रा करने का निर्णय लिया। और पालकी का यात्रा कुछ इस तरीके से होता है, 4 कंधे में आप जाओगे पूरा मस्त एकदम फुल मज़े लेते हुए, देख सकते हैं ये आंटी जी को। और ट्रैकिंग का असली मज़ा तो खुद चल के जाने में है। और ये हमारा 4 धाम का पहला ट्रैकिंग है यमुनोत्री के लिए। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट था लेकिन क्या बताएं, शुरुआत में ही जो बुरी हाल हो रही थी, थक के मन तो नहीं हो रहा था पर भी हर हर महादेव के नाम के जाप लेते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। और हम पहुँच चुके हैं गेट, श्री यमुनोत्री धाम यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने यमुनोत्री की ओर चला हुआ है और अभी तक हमने 2 किलोमीटर ही बस कवर किया है, अभी भी हमारे 3 किलोमीटर बाकी है। और
हर बार ब्लॉगिंग का बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो रहा है, तो बोल भी नहीं पा रहा हूँ रास्ते में, ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैंने बस जो करते जा रहा बीच बीच में। और यहाँ पे देख सकते हैं चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है, हर हर महादेव। अभी तक हम लोग 2.5 किलोमीटर ही चढ़ाई किए हैं और बुरी तरीके से थक चुके हैं। मेरे बिरमन सर, कुछ कहना चाहोगे? हालत कैसा लगा आपको यहाँ तक आते हुए? फिलहाल टाइट है, बहुत जोश के साथ हो जाएगा, पूरे जोश में है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ बोर्ड लगा हुआ है कि हम लोग अभी 2.5 किलोमीटर तक आ चुके हैं, यहाँ से अभी 2.5 किलो माप बाकी है। और सीन कुछ इस तरह से, यहाँ से देखिए घोड़ा भी बालू बुकते हुए आ गया। और यहाँ पे कोई भी बाइकर्स अंदर नहीं आता है क्योंकि रास्ता ही नहीं है, सिर्फ घोड़ा। जो भी काम करना है, जो भी सामान लेके जाना है, घोड़ा के थ्रू और खुद बुक के। आगे आके हमें फिर से एक कुत्तू मिल गया है, और यहाँ का उत्तराखंड का कुत्तू काफ़ी फ्रेंडली होता है। वो हमारे साथ फिर से आ गया, तो हम उसे थोड़ा प्यार किए, उसके बाद आगे निकल गए। फिर और यहाँ टॉप में पहुँचने के बाद हम नीचे देख रहे थे, हमें यकीन ही नहीं हो रहा था कि हम इतने मेहनत करके यहाँ तक पहुँच चुके हैं, चढ़ाई काफ़ी था। फाइनली गाइस पहुँच चुके हैं हम लोग यमुनोत्री, अब यहाँ पे स्नान करेंगे, उसके बाद पूजा वूजा होगा, पूजा वूजा करेंगे, उसका यहाँ से दिन लगाएंगे और यहीं पर आज बैठने वाले हैं हम लोग यमुनोत्री पर। हम गर्म पानी में नहा के मज़ा आ गया पूरा, एकदम जितना बदन पर जो थकान और दर्द था वो सारा मिट चुका है। तो हम लोग यहाँ पर रात में यहीं पर स्टे करने वाले हैं। अब मेरे दो दोस्त जो है विष्णु और हेमन, ये लोग प्रसाद देने गए, अगर मेरे को पूजा होने वाला है यहाँ पर, सबसे तो हम लोग मंदिर पे जाएंगे पूजा करके, उसके बाद ट्रेन को यहीं मंदिर पे लगाएंगे यहाँ पे, उसके बाद रात को आज यहीं स्टे करने वाले हैं हम लोग। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं यही है मंदिर, आप लोग दर्शन जरूर कर लीजिए, दर्शन कर लीजिए ये मंदिर का, दर्शन कर लीजिए आप लोग मंदिर का, यहाँ पे लाइव दर्शन हो रहा है। जय श्री यमुने, लोगों ने पूजा वूजा करके आ गया वहाँ से। यहाँ का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा है यहाँ से, मंदिर का दर्शन वर्शन हो गया है। और यहाँ से नीचे जाएंगे, नीचे पे लगाएंगे टेंट, यहाँ पे आप लोग लोकेशन चेक कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़ा है। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारा यात्री लोग आए हैं और यहाँ पे फोटो वोटो शूट हो रहा है, और साथ में वहाँ पूजा भी हो रहा है, भोजन भी हो रहा है। ओ वाला जगह पे देख सकते हैं, वहाँ पे पूजा हो रहा है। और अभी हम लोग भी वहीं आरती पे जाके बैठेंगे। मंदिर का लाइट चला गया गाइस यहाँ से। सो गाइस यहाँ पे आरती हो चुका है हमारा, आरती करने के बाद काफ़ी ज़्यादा शांति फील हुआ है, तो अब हम चलते हैं नीचे की ओर। हम लोग रात में यहीं मंदिर पे स्टे करेंगे टेंट पे, ये पहला एक्सपीरियंस रहेगा टेंट का, हम आप लोगों को बताएंगे। और यहाँ पे अपना बैग, स्लीपिंग बैग सबका लगा दिया गया है, और विष्णु और ब्रह्मन गया नीचे साइड में, वहाँ पे मैगी बना के लेकर आएगा हमारे, क्योंकि मंदिर के अंदर पे शायद हमें कुछ बोल सकते हैं, इसीलिए। तो मैं यहाँ पे फिलहाल, तो आज का ब्लॉग में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा आप लोगों को, जर्नी देखते हैं यहाँ का, तो जो लोग आना चाहते हैं वो लोग जरूर से एक बार विजिट कीजिएगा, बहुत शांति मिलता है मन को। दोनों जाके मैगी बना के ला के आए बाहर से, देख सकते हैं मैगी की, दिख रहे काफ़ी हैंडसम लग रहे हैं ये। और विष्णु मिलके जाके बाहर मैगी लगाया, क्या इंतज़ार कर रहा था मैगी का, इंतज़ार कर रहा था, बहुत ज़्यादा भूख लगा हुआ है गैस, तो अभी मैगी खाएंगे, उसके बाद यहाँ पे सोएंगे, रेस्ट करेंगे। देखिए मैगी काफ़ी टेस्टीदार बनाया हुआ है शायद, और आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जो लोग नया है सब्सक्राइब करके रख दीजिए, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ब्लॉग करते हैं यहाँ पे, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।